आज मैं आपको बताने वाला हूं NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्रीसपोजिशंस के बारे में, उसकी अगली कड़ी। NLP के जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो बिलीफ्स है, तो उसके बारे में बताने वाला हूं मैं। जैसा मैंने पहले बताया पहले वीडियो में कि मैप इज नॉट द टेरिटरी, ये एक प्रीसपोजिशन है। मैप इज नॉट द टेरिटरी। दूसरा है कि यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेस यू नीड। तीसरा मैंने चर्चा किया, इफ वन पर्सन कैन डू इट, यू कैन लर्न टू डू इट। चौथा है, हैविंग ए चॉइस इज बेटर देन नन। पांचवा है, पीपल वर्क परफेक्टली एंड नो वन इज रॉन्ग। अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा, पीपल हर आदमी कैसा परफेक्ट काम कर सकता है, कोई रॉन्ग कैसा नहीं है। अभी इसमें ऐसा है कि हर व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो उसके उसके हिसाब से बराबर है। उसकी जो मान्यता है, उसकी जो धारणा है, उसका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा हमने बताया पहले PIR पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वहां से वो बिहेव करता है। क्योंकि एक ही सिचुएशन में E1 हमने देखा, इवेंट वन मेरे दिमाग में आया, इवेंट टू सामने वाले के दिमाग में आया, इवेंट टू, इवेंट E1 का इवेंट टू, E2 उसके इसमें आ गया, E2 मेरे इसमें आ गया। अब मेरा E2 और उसका E2 मैच नहीं करता ना। मेरा जो E2 है, मैंने जो उसका प्रति, मतलब वो जो प्रतिध्वनि बोलो या मतलब जो भी मेरे दिमाग में रिप्रेजेंटेशन है जो है, तो वो मेरा जो है वो उसका मैच नहीं करता, उसका अलग है मेरा अलग है। इसका मतलब ये है कि उसका जो बिहेवियर है वो जो मतलब मेंटल स्टेट उसकी है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, वो जो भी कुछ कर रहा है वो उसके हिसाब से बराबर कर रहा है। हमको लगता है कि ऐसा क्यों बिहेवियर करता है, इसने ऐसा क्यों गुस्सा करना चाहिए, ये ऐसा इरेलेवेंट बिहेवियर क्यों करता है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसमें NLP की मान्यता यह है कि एवरीवन इज परफेक्टली राइट, नो वन इज रॉन्ग। उसका जो E2 है, उसके जो ब्रेन में भेजे में जो भी कुछ अंदर रिप्रेजेंटेशन है, वहां से वो बराबर काम कर रहा है ना। सो समझो स्मोकर है, अब स्मोकिंग समझो एक हम बोलते नहीं स्मोकिंग करना गलत है, बराबर है गलत है, मगर अभी उसका बिहेवियर उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको जब मतलब शुरुआत हुई स्मोकिंग की, तभी क्या हो गया, उसको हो गई स्मोकिंग की आदत, स्मोकिंग की उसको हो गई आदत। अब आदत हो गई तो अभी वो स्मोकिंग करता नहीं है, तो उसको होता है एकदम रेस्टलेसनेस, बहुत घबराहट होती है, रेस्टलेसनेस होता है, बार बार वो विचार आते हैं। अब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको चुप नहीं रहने देता, वो जाके सिगरेट पी लेता है, तो उसके हिसाब से वो बराबर है। क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है, उसके अनकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि अभी मैं सिगरेट ना पीऊं तो भी मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, अभी मैं रह नहीं सकता सिगरेट के सिवाय, अभी मैं नहीं रह सकता शराब के सिवाय। तो वो भले सुबह उठ के आदमी बोलेगा कि नहीं नहीं आज मैं है ना सिगरेट पीऊंगा नहीं, आज मैं है ना शराब पीने वाला नहीं हूं, ये तो वो 10% कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। 90% अनकॉन्शियस माइंड क्या है, उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो रेस्टलेसनेस इतना हो जाता है उसको, इतनी बेचैनी हो जाती है, बोलते नहीं मैं जाके पी लेता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको समझ के लेना पड़ेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको आदत लगी हुई है, उसके 90% में जाके वो बैठा हुआ है, उसका 90% अनकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग हो चुका है, उसकी भले ही इच्छा हो मगर वो छोड़ेगा नहीं। तो ही इज परफेक्टली डूइंग वॉट एवर इट इज नीडेड फॉर हिम, उसके लिए जो बराबर है वो कर रहा है। दूसरा और क्या है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसके साइड में जाके मुझे देखना पड़ेगा। मगर समझो ऐसा है कि भाई अभी मेरे सामने ये लकड़े का है, पेन का स्टैंड है, अभी यहां जो लिखा हुआ है ये साइड में और ये साइड में, मैं यहां से देखने वाला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं ये तो ब्लैंक है, यहां कुछ भी लिखा नहीं है, उधर से देखने वाला बोलेगा नहीं नहीं यहां तो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो उसके हिसाब से बराबर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके साइड में जाके देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों देख रहा है, बिकॉज ही इज परफेक्ट, नो वन इज रॉन्ग। यहां से यदि मैं एक गॉगल पहन के
ये चश्मा पहन के लोगों की तरफ देखता हूं कि कोई भी रॉन्ग नहीं, उसके हिसाब से बराबर है, तो झंझट झगड़े दंगा फसाद होंगे ही नहीं। हमारे जो रिश्ते जो है उसमें जो इतनी बाधाएं आती है, इतने डिस्टर्ब है हमारे रिश्ते, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता है कि मैं सही हूं और वो गलत है, मैं सही हूं और वो गलत है, आई एम राइट एंड ही इज रॉन्ग। अब मैंने बोला कि नहीं नहीं नो वन इज रॉन्ग, वो गलत है नहीं, वो उसके हिसाब से बराबर है। अभी समझ के मुझे लेने का है कि वो कैसा गलत है या सही है, तो मुझे उसके शू में जाके देखना पड़ेगा, उसके चप्पल में शू में जाके खड़े रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों देख रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, और वो मैं ऐसा करूँगा तो डेफिनेटली रिश्तों में अच्छा असर होगा, फायदेमंद होगा, और हमारा जीवन बहुत ही हम पावरफुली और खुशी से हम जी सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।